तो अभी हम कालाडूंगा से रिटर्न हो रहे थे और रात काफी ज्यादा हो गई थी। ये रास्ता जितना ब्यूटीफुल लगता है उतना है नहीं, एंड सेफ्टी रीजन से मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मुझे नाइट ड्राइव ना करना पड़े, पर कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है। पर फाइनली हम सेफली पहुंच गए थे। यहाँ पे रण उत्सव के बाहर एक मार्केट था, तो अंकिता और मम्मी ने डिसाइड किया कि हमको यहाँ शॉपिंग करनी है, और मुझे हर शॉप में सब सामान एक जैसा ही लग रहा था। यहाँ हमको मिली एक बहुत ही एनर्जेटिक सब्सक्राइबर, और ये पूरे दिन की थकान की मेरी हालत देखो, मैं कहीं पे भी लेट गया था, इंसेक्ट्स की वजह से फिर उठना पड़ा, लेकिन थकान और बोर साथ में कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है। फाइनली हम टेंट सिटी के अंदर गए, लेकिन हमको तुरंत वापस निकलना पड़ा क्योंकि हमने किसी को प्रॉमिस किया था, जो कि फोटोग्राफर था, उनको हमारे फोटो क्लिक करने थे, हमने बोला था हम पक्का आएंगे, तो ये बॉडी टूटे पर वादा ना टूटे। तो फाइनली हम लोग उनको मिले टेंट सिटी के गेट के बाहर, जो कि भीड़ बिना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। रात के 11 बज रही थी और हम रोमांटिक रील्स बना रहे थे। फिर कुलदीप भाई ने हमको काफी अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करके दिए, ये आप कुछ रॉ फोटोज देख सकते हो, एडिटेड किए हुए मेरे को मिलने बाकी है, तो वो आएंगे तब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। फिर थोड़ी सी मस्ती की और वापस से टेंट की तरफ जाने के लिए निकल गए। रास्ते में अंकिता अपनी फैमिली से बात कर रही थी, मैं टाइम पास करने के लिए शेडोज रास्ते कुछ भी शूट कर रहा था। खुले आसमान के नीचे टेंट के पास बैठने का मजा ही कुछ अलग होता है। ये था आज का मिनी ब्लॉग, सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, पिन कमेंट को चेक करना मत भूलना।